Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I'm your maths teacher here and I hope you all will be fine. And I hope you have completed your previous work which I have given to you. Now, we will start our new chapter. Take out your books of maths and open your page number 18. Our new chapter is numbers, right? Numbers are everywhere. क्या कहते हैं कि जी नंबर हर जगह होते हैं. Yes, we use numbers everywhere, literally everywhere. It means कि हम नंबर जो होते हैं हर जगह यूज़ करते हैं. You see numbers in your result card. हमारे result card पे अगर देखें तो वहाँ पे भी क्या है, numbers होते हैं. Saving pocket money is all about numbers. कि हम जब pocket money हमें दी जाती है उसमें से जब हम save करते हैं तो वो भी क्या है, हमारे किसके बारे में है. It's all about numbers. Buying a gift for a friend, following your favorite TV show, time, channel number, duration, etc. all are numbers. कि आप कभी अपने फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेते हैं, राइट? जब आप उसको, जाहिर सी बात है, शॉप से एक गिफ्ट खरीदते हैं और जब आप उसको पेमेंट कर रहे होते हैं, वो भी क्या करते हैं, नंबर्स में ही करते हैं ना. होते तो वो रुपीज़ हैं, पैसे होते हैं, लेकिन किस में होते हैं वो पैसे, नंबर्स में होते हैं. आप अगर अपना फेवरेट टीवी शो फॉलो कर रहे हैं, फॉलो मीन्स कि आप उसको रेगुलर देख रहे हैं और टाइम टू टाइम देख रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो भी क्या है, नंबर्स में है. टाइम आपका नंबर्स में है, आपके चैनल में भी नंबर्स होते हैं, ड्यूरेशन टाइम में भी होता है. इट्स ऑल आर नंबर्स. ये सब क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं. देयर इज नो डाउट दैट वी आर हैवीली सराउंडेड बाय नंबर्स इन आवर डेली लाइफ एंड देयर इज नो एस्केप फ्रॉम देम. और इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि हम जो है डेली लाइफ में, डेली रूटीन में नंबर्स को फॉलो करते हैं, हमारे इर्द गिर्द नंबर्स बोले जाते हैं और हम उनसे क्या करते हैं, एस्केप, मतलब कि हम उसे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते, राइट? कोई भी हम बात करें, इन कभी भी हम, अगर हम एक दूसरे को टाइम ही बता रहे हैं, इट मीन्स कि हम क्या करें, नंबर्स को यूज़ कर रहे हैं. Now come to page number 19. Numbers. Numbers are all around us, whether you are playing a game. अभी हमने बात की कि numbers जो क्या हैं, हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, right? Whether you are playing a game, चाहे आप game खेल रहे हैं, eating at the canteen, आप खा रहे हैं canteen पे, और trying out a new recipe at home, या आप घर पे कोई भी नई रेसिपी कर रहे हैं जी, यूज़ कर रहे हैं, आप घर में खाना बना रहे हैं. देयर इज़ नो एस्केप फ्रॉम नंबर्स, राइट? सो लेट्स गो टू नो अबाउट नंबर्स. अब यहाँ पे तो आपको पता लग रहा होगा जो वर्ड्स और जो एग्जांपल्स इन्होंने दिए कि यहाँ पे तो कोई नंबर यूज़ ही नहीं हुआ हुआ, लेकिन अगर हमें देखा जाए, अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं तो हम उसका एक टाइम रखते हैं ना, कि हमने इतने टाइम से इतने टाइम तक गेम खेलनी है, फिर इतने टाइम से इतने टाइम तक तो हमने पढ़ना है. तो इट मीन्स कि हम टाइम को फॉलो कर रहे हैं, राइट? गेम खेलते हुए, पढ़ते हुए, खाते हुए, सोते हुए, हम टाइम फॉलो करते हैं ना, तो टाइम हमें किस में होता है, नंबर्स में होता है. चलें अब हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ नंबर्स. अब नंबर्स मुख्तलिफ तरह के होते हैं, उनकी टाइप्स होती हैं. नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू मैनी कैटेगरीज. हियर वी विल डिस्कस अ फ्यू ऑफ देम. नंबर्स को बहुत सारी कैटेगरीज, बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है और हम यहाँ पे कुछ कैटेगरीज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. नेचुरल नंबर्स. द सेट ऑफ नंबर्स 1, 2, 3, 4, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, up to so on. These dots shows that natural numbers has no ending point. ये infinite होते हैं, right? That we use every day are called natural numbers and are often referred to as counting numbers. क्या है जी, हम जो numbers use करते हैं अपनी daily life में, हम बोलते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, up to so on. ये हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं और इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स, जो वन से स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यू रहते हैं, जिसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, राइट? और इनको हम क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स. होल नंबर्स. द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स प्लस द नंबर जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स. अब आप इन दोनों में डिफरेंस देखें, नेचुरल नंबर्स वन से स्टार्ट होते हैं, जबकि होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स का सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, राइट? नेचुरल नंबर्स का सेट होते हैं, लेकिन इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, जबकि नेचुरल नंबर्स में हम जीरो को इंक्लूड नहीं करते. आर कॉल्ड होल नंबर्स. ये देखें 0, 1, 2, 3, 4, up to so on, राइट? ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स जो हम वन से स्टार्ट करते हैं और उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, होल नंबर्स जो हम जीरो से स्टार्ट करते हैं और उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, और जो होल नंबर्स होते हैं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं, राइट? और जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सिंपल आपका सेट ऑफ नंबर्स होते हैं,
राइट, नेचुरल नंबर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इंटू फोर टाइप्स. हाँ जी, अब फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन है फोर टाइप्स में, तो वो कौन कौन सी हैं? इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स. इवन नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय टू एंड डू नॉट लीव अ रिमाइंडर आर कॉल्ड इवन नंबर्स. हम अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं इवन एंड ऑड नंबर के बारे में. इवन नंबर वो होता है जो टू से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा होता है, राइट, या जिस वो नंबर जिसके एंड पे आपके टू जीरो टू फोर सिक्स एट आ रहा होता है, तो इसका मतलब होता है कि वो पूरा नंबर, होल नंबर जो है वो क्या है, आपका इवन नंबर है, राइट. टू जैसा टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन एटीन, या आपके क्या आ जाते हैं, इवन नंबर्स. नाउ कम टू ऑड नंबर्स. ऑल नेचुरल नंबर्स दैट लीव अ रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय टू आर कॉल्ड ऑड नंबर्स. वो नंबर्स जो टू से कम्प्लीट डिवाइड नहीं होते और जिनका रिमाइंडर भी जो है आता है, राइट, और इवन नंबर्स में रिमाइंडर जीरो आता है ना, तब वो कम्प्लीटली डिवाइड होता है टू से. ऑड नंबर्स में रिमाइंडर जीरो नहीं आता, राइट, और वो कम्प्लीटली भी डिवाइड नहीं होते किससे, टू से, राइट. वन वन टू से डिवाइड होता है, नो. थ्री टू से डिवाइड होता है, नो. फाइव होता है, नो. इट मीन्स दे ऑल आर ऑड नंबर्स. प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स, ये भी हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस की हुई हैं चीजें कि प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं. प्राइम नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स दैट हैव ओनली टू फैक्टर्स, दैट इज वन एंड द नंबर इटसेल्फ, आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो सारे नेचुरल नंबर्स जिनके टू फैक्टर्स होते हैं, राइट, या तो वो अपने टेबल में आते हैं या वो फिर वन के टेबल में आते हैं, राइट. इनके अलावा वो किसी टेबल में नहीं आते, इनके अलावा उनके कोई फैक्टर्स नहीं होते. वन होता है या तो नंबर इटसेल्फ, नंबर खुद का जो फैक्टर होता है वो उसके फैक्टर्स होते हैं. दो ही फैक्टर्स होते हैं, वन या नंबर खुद, ठीक है, उनको आप क्या कहते हो, प्राइम नंबर. जिस तरह टू, टू वन के टेबल में आता है और टू अपने टेबल में आता है, इसके अलावा टू किसी टेबल में नहीं आता, इसलिए टू क्या है, आपका प्राइम नंबर है. सेम इज द केस विद थ्री. थ्री वन के टेबल में आता है और थ्री अपने टेबल में आता है, इसके अलावा वो किसी टेबल में नहीं आता, राइट. नोट दैट टू इज ओनली द प्राइम नंबर दैट इज इवन, ऑल द रिमेनिंग आर ऑड्स. कैन यू टेल व्हाई? कह रहे हैं कि ये नोट करें कि जो टू है वो सिर्फ एक अकेला प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन है, बाकी सब ऑड है, राइट. क्यों? क्योंकि टू, अभी हमने कहा कि टू सिर्फ अपने टेबल में आता है और वन के टेबल में आता है, इसलिए टू हमने प्राइम नंबर्स में इंक्लूड किया है. और ये इवन नंबर इसलिए क्योंकि ये कम्प्लीटली क्या होता है, टू से डिवाइड होता है. बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो टू से डिवाइड नहीं होते, कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं लेकिन रिमाइंडर छोड़ देते हैं, राइट. कॉम्पोजिट नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स दैट हैव मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स. प्राइम नंबर्स के ऑपोजिट होता है कॉम्पोजिट नंबर्स. अब कॉम्पोजिट नंबर्स वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज्यादा क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, राइट. अब जैसा फोर, फोर वन के टेबल में भी आता है, फोर टू के टेबल में भी आता है, फोर अपने टेबल में भी आता है, राइट. सेम इज द केस विद सिक्स. सिक्स आपका वन के टेबल में भी आता है, टू के टेबल में भी आता है, थ्री के टेबल में भी आता है और सिक्स अपने टेबल में भी आता है. नॉट दैट कंपोजिट नंबर्स इंक्लूड बोथ ऑड एंड इवन नंबर्स. अब कंपोजिट नंबर्स में क्या होते हैं, ऑड और इवन नंबर दोनों आते हैं, ठीक है. जबकि प्राइम नंबर्स में सिर्फ टू ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं, राइट. Now what you have to do is class 6, आपने यहाँ जो आपका types of numbers है, natural numbers, whole numbers, even numbers, odd numbers, prime numbers, composite numbers, आपने neat notebook पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 की क्या लिखनी है, आपने definitions लिखनी है, right, neat and clean with your pen or pencil, whatever you use, or with your examples, right, आपने examples भी mention करनी है. Right, class 6, this is all for today. Thank you.